नमस्कार मावर्चा में आप सबका स्वागत है। कई लोग पूछते हैं मेरी बेटी के लिए मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बच्चों के बालों की ग्रोथ के लिए बच्चों के हेयर को वॉश करने का तरीका भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस तरीके से वॉश कर रहे हो, कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हो। तो मैं एक्चुअली आपको, वैसे मैंने बहुत बार ये वीडियो में बताया है कि दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। पहली चीज तो देखिए, हम अपनी बच्ची का हर रोज वॉश नहीं करते हैं हेयर, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज में ही करते हैं। गर्मियों की बात अलग है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो हर रोज हेयर वॉश करेंगे, बट अभी तो फिलहाल हम एक दिन छोड़ के हेयर वॉश करते हैं। सेकेंड थिंग, हम कभी भी गर्म पानी का यूज नहीं करते हैं उसके हेयर को वॉश करने के लिए। इनफैक्ट ठंड में भी हम जो पानी लेते हैं गुनगुना होता है, क्योंकि गर्म बालों से क्या होता है, बालों का मॉइस्चर चला जाता है और बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। थर्ड थिंग, हम कभी भी अपनी बेटी का जब हेयर वॉश करते हैं तो उसके पहले मेक श्योर करते हैं कि उसके बालों में ऑयल लगा हुआ हो, क्योंकि ऑयल लगा हुआ होगा फिर हम जब शैम्पू करेंगे तो डर्ट भी आसानी से निकल सकेगा और ड्राई नहीं होंगे, और बच्चों के जो हेयर का मॉइस्चर है ना वो नहीं निकलेगा। वैसे तो मेरी बेटी के हमेशा ऑयल लगा ही रहता है, हेयर वॉश करने के बाद जब वो ड्राई हो जाते हैं हम तब तुरंत ही ऑयल लगा देते हैं। लेकिन अगर जब कभी नहीं लगा हुआ है तो हेयर वॉश करने के एटलीस्ट 2 घंटे पहले भी हम जरूर से लगा देते हैं। अब बात करते हैं हेयर शैम्पू की, कि कौन सा शैम्पू हम यूज करते हैं। देखिए, आपको जो भी शैम्पू या कोई भी बेबी प्रोडक्ट अगर आप अपने बच्चे के लिए ले रहे हो तो मेक श्योर कि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, ऐसे प्रोडक्ट ही आप ले। क्योंकि बच्चों का जो स्किन होता है, हेयर होता है, बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए प्रोडक्ट्स ही अगर आप लेंगे तो वही बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे को इससे एलर्जी नहीं होती है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ये मामा अर्थ का बेबी शैम्पू। ये 0 to 5 years के बच्चों के लिए होता है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है इनके सारे प्रोडक्ट्स। टीयर फ्री फॉर्मूला के साथ आता है, मतलब कि अगर आप बच्चों का हेयर वॉश करोगे और गलती से आंखों में पड़ गया शैम्पू तो बच्चों की आंखों में इरिटेशन नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें कोकोनट बेस्ड क्लिंजर मिला हुआ है, मतलब कि आपके बच्चे के हेयर को वो मॉइस्चराइज भी करेगा, साथ में क्लीन भी करेगा, तो एक्स्ट्रा जो ड्राइनेस होती है वो नहीं आएगी बच्चों के हेयर पे। मेड सेफ सर्टिफाइड है, आपको पता है मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मेड सेफ सर्टिफाइड होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलके बने होते हैं। ना इसमें SLS होता है, ना ही SLES होता है, ना ही कलर का इस्तेमाल किया जाता है या डाई का इस्तेमाल किया जाता है, ना आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस होती है इसमें। इस वजह से इनमें किसी तरीके का केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही साथ मामाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव है, मतलब कि जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा ये प्लास्टिक को रिसाइकल भी करते हैं। और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो मामाअर्थ ने लिया है, जब भी आप इनकी वेबसाइट पे आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे तो ये आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ एक ट्री प्लांट करते हैं, और उस ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन की, कौन से स्पीशीज का है वो ट्री, उसके जियो लोकेशन क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको भेजते हैं। तो इस तरीके से इनका ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा है। अगर आपको मामाअर्थ का ये शैम्पू लेना है तो आपको ये mama.in पे मिल जाएगा, साथ ही साथ ही आपको Amazon और फर्स्ट क्राई पे भी मिल जाएगा। mama.in पे अगर आप मेरा कूपन कोड MABA2021 यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई प्रोडक्ट लीजिए, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे MABA2021 तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तीनों वेबसाइट की, अमेजोन की, फर्स्ट क्राई की और mama.in की। जहां से भी आपको परचेस करना हो कर लीजिए, लेकिन कूपन कोड mama.in पे ही चलेगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको 20% का ऑफ मिलेगा। मतलब कि ये 199 का है तो ये आपको करीब पड़ जाएगा 160 रुपये करीब का। तो बस बहुत लोग पूछ रहे थे कौन सा शैम्पू यूज़ करती है अपनी बेटी के लिए, तो यही यूज़ करती हूँ। जो लोग मेरे से ब्लॉग चैनल पे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं उसमें दिखाती रहती हूँ जो भी प्रोडक्ट्स मैं अपनी बच्ची के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।